तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे पास है एक अमेरिकन बुली और जर्मन शेफर्ड की। अमेरिकन बुली का नाम किंग और जर्मन शेफर्ड का नाम सुल्तान। दोस्तों, हमारे पास माइक नहीं है, वॉइस क्वालिटी थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, तो माफ़ कर देना, आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारे पास आज माइक नहीं है। तो आज हम आए हैं ये मोनिरका पार्क, ये इन लोगों को घुमाने। तो ये रहा जर्मन शेफर्ड, और आपको दिखाता हूँ ये रहा अमेरिकन बुली। जर्मन शेफर्ड का मुंह पे हमने मास्क लगाया है कि किसी और डॉग्स को अटैक ना करे, क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिव है, तो सेफ्टी के तौर पे लगा दिया है हम लोग ने। आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा व्यू भी दिखा दूँ मोनिरका पार्क का। तो दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब ऐसे थोड़ा एग्रेसिव ब्रीड, डेंजरस ब्रीड जब पालोगे, जब रखोगे अपने घर पे, तो लाइक आप लोगों को एक मेन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को उनको सोशलाइज करना पड़ेगा। सोशलाइज बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो जाता है, कि अगर आप ऐसे डेंजर ब्रीड पाल रहे हो एक घर के गार्ड की पर्पज़ पे और सिक्योरिटी की पर्पज़ पे, बट आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को इनको थोड़ा सोशलाइज भी करना पड़ेगा, और एटलीस्ट दिन में एटलीस्ट लाइक 40 to 1 hour वॉक इन लोगों को ज़रूरी हो जाता है सोशलाइज करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, और देख सकते हैं आप वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब इन लोगों को थोड़ा यहाँ पे खेलने देंगे। देखिए कैसा खेल रहा है। पत्थर फैलाएगा। अभी देखिए दोस्तों, हम एक पत्थर फेंकेंगे, कैसा दौड़ के जाएगा, भाग के जाएगा। पत्थर का दीवाना है ये जर्मन शेफर्ड सुल्तान।
तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ये दोनों भी बहुत थक चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोग सब अच्छा से रहिए और आप लोगों के लिए अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा मैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।